पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किसमें सक्षम करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम विल बी एनेबल एफिशिएंट टीचिंग के लिए, इंटरेस्टेड लर्निंग के लिए, मिनिमल एवोल्यूशन के लिए, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के लिए, या टीचर सेंटर बिहेवियर के लिए। अब आपको यहां पर जो ऑप्शन है वो आपको चुनने हैं कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए, हाँ, जल्दी से एक देख लीजिए। चलो, जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी को, है ना। अब देखिए, कुछ कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किसमें सक्षम होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहां पर कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम विल बी अनेबल, क्या वो अनेबल करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला बिल्कुल सही है, एफिशिएंट टीचिंग। अगर आप एक अच्छा वक्ता हो तो आप अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर पाओगे, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई सबसे पहला है कि भाई आपकी जो टीचिंग है वो काफी क्या हो जाएगी, क्रूशियल हो जाएगी, काफी अच्छे से हो जाएगी, काफी कुशल हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार दूसरा वाला बोल रहा है कि सीखने में रुचि, इंटरेस्ट इन लर्निंग। अगर आप अच्छे से लेक्चर डिलीवर करोगे तो बच्चों को क्या है, पढ़ने में भी मन लगेगा। तो भाई ए और बी दोनों होंगे। अब ए और बी दोनों होंगे तो ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे और ये वाला ऑप्शन देखेंगे, दोनों कट जाएंगे, बचेगा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसके बाद फिर बोल रहा है मिनिमल इवेल्युएशन, देखो मूल्यांकन बोल रहा है कम करना पड़ेगा इफेक्टिव टीचिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कम अच्छा पढ़ाओ या ज्यादा अच्छा पढ़ाओ, मूल्यांकन तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों का। ऐसा नहीं कि भाई बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तो मैं मूल्यांकन नहीं करूंगा, मूल्यांकन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी वाला, है ना। सी गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी एंड डी। इसमें बोला इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो भैया इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। ई वाला टीचर सेंटर बिहेवियर नहीं कहलाएगा, क्योंकि टीचर सेंटर बिहेवियर में आपको पता है कि टीचर आएगा पढ़ा के चला जाएगा, उसको उतना मतलब नहीं है, मैन वो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर करना है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, टीचर सेंटर ना होके स्टूडेंट सेंटर हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी इंटरेक्शन जरूरी होता है। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर वन का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा, जी हाँ, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वल रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर वन का, ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा, जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, एक साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एनसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और
इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड एज, भाई किस नाम से क्लासरूम कम्युनिकेशन को जो है आप और जानते हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन में अप्रत्यक्ष है, असशक्त है, डिसजॉइंट है, सशक्त है, कोहेरेंट है और आपका निरंकार है। चलिए आपको बताना है क्या इसमें आपका आंसर होगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। अगर आप देखेंगे कि भाई कक्षा में जो भी आपका होना चाहिए है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो आपका कोहेरेंट होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए ना। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होता है, इसे आप कोहेरेंट कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, सशक्त कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, सशक्त संप्रेषण भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, सूचना को भेज रहे हो और एक माध्यम से वो क्या कर रही है, दूसरे माध्यम में आपकी जा रही है, तो जाहिर सी बात है सशक्त यहां पर क्या होगा, सही होगा। चलिए हाँ जल्दी से आंसर करें फटाक से। हाँ बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा सप्रेषण को निम्नलिखित में से कौन सा रुचिकर बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग में क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। जी हां, क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है आपका, ज्यादा से ज्यादा आपको मजा कब आएगा क्लास में, ये आपका पूछा जा रहा है कि बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है यहां पर कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। पहला है कि इम्प्लीकेट कमेंट विल स्पीकिंग, बोलते समय आप क्या करो, टिप्पणी कर दो। दूसरा बोल रहा है कि भाई साहब बेनिफिशियल डिस्कशन, लाभदायक चर्चा हो। फिर है आपका यूज ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन, बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे दो। फिर बोल रहा है फाइंडिंग द राइट कंटेक्स्ट, जो सही आपका संदर्भ है उसको लेके चर्चा करो। फिर है आपका प्रेशराइजिंग स्टूडेंट बाय अथॉरिटी एंड ऑर्डर। अब आप देखोगे कि क्लास में अच्छा माहौल कब होगा, जब एक बेनिफिशियल डिस्कशन होगा भाई, एक अच्छे से क्या है आपका क्या होगा, चर्चा होगी, तब बेनिफिशियल डिस्कशन होगा, है ना। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। अब जैसे जिसमें बी नहीं है वो वाला ऑप्शन काट दो, जिसमें बी नहीं है वो ऑप्शन काट दो, दो ऑप्शन यहां पर चले गए। इसके बाद बोल रहा है कि यूज ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन, तो बीच बीच में थोड़ा सा आपका क्या है, गैप भी जरूरी है, कहां पर रुकना है, कहां पर बोलना है, इसका भी होना बहुत जरूरी है, है ना, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे आपका फाइंडिंग द राइट कंटेक्स्ट, तो भैया जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे बी सी और डी हो चुके हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, ए यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप फालतू चीज बीच में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन डिस्टर्ब भी होगा और वो चीजें भी नहीं होंगी। पीडीएफ आज मैं इसमें अपलोड करवा दूंगा बिल्कुल, है ना, टीम को बोल दिया है, आज पीडीएफ जो रहेंगी क्लास के नीचे आपको रिकॉर्डर सेक्शन में एमसीक्यू करके जो फोल्डर है उसमें आपको मिल जाएंगी, क्लास के नीचे ही बिल्कुल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण, प्रभावी कक्षा संप्रेषण की यहां पर बात हो रही है। चलिए प्रभावी कक्षा संप्रेषण का उद्देश्य अधिगमकर्ताओं को क्या प्रदान करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन टू इंपैक्ट टू द लर्नर, ये आपको बताना है। चलो ऑप्शन में न्यू नॉलेज है, न्यू बिहेवियर है, न्यू सॉफ्ट स्किल है, न्यू पैटर्न है, एग्रेसिव एटीट्यूड है, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है, ये आपको बताना है कि क्या बिल्कुल जरूरी है। चलो जल्दी से आंसर करो। हाँ
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, अब यहां पर जैसे बात हो रही है प्रभावी संप्रेषण की इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो भाई नया नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल सही है कि भाई न्यू नॉलेज आपको क्या है मिलेगा, फिर है न्यू बिहेवियर, नई चीज भी सीखोगे, फिर आपका नई स्किल भी सीखोगे, ये भी सही है। फिर यहां पर आप देखें एबीसी सही हो चुका है, तो ये ऑप्शन सब चले जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचता है ए, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पूरा कक्षा में निष्प्रभावी श्रवण हेतु उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन से होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब कब आप अच्छे से नहीं सुनते क्लासरूम में, क्या रीजन होता है वो पूछा जा रहा है। पहला बोला जा रहा है कि कंटेक्स्ट सेटिंग ऑफ मैसेज, जी हां संदर्भ का, संदेश का संदर्भ निर्धारण, फिर है अटेंशन ट्रिगर, फिर है आपका फिजिकल और मेंटल फटीक, फिर है आपका लेक ऑफ मोटिवेशन, फिर है इंडिकेट प्रिपरेशन। अब आपको बताना है क्या रीजन है जिसके कारण आप चीजों को वो इग्नोर करते हो। तो आप देखोगे तो भाई अटेंशन ट्रिगर, बिल्कुल अटेंशन ट्रिगर के कारण ध्यान विमोचक, कई बार ध्यान भटक जाता है क्लासरूम में, जिसके कारण हम क्या करते हैं पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी प्रकार आपका कई बार आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ही खराब होता है, कई बार आपको टेंशन होता है, दुख होता है, या तबियत खराब सी लगती है तो भी आप वो नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते। तो बी और सी तो आपके होने ही होने हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब देखो ए बी सी है और आपका बी सी डी है। डी की बात करें मोटिवेशन नहीं होता, तब भी अटेंशन नहीं होता, तो यहां पर बी सी डी जो है आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हां बी सी डी। चलिए क्लियर सभी को, पांचवें का सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई अटेंशन नहीं देना, आप फिजिकल और मेंटल फटीक होना, ये चीजें आपकी रहती है तो आप क्या करते हो चीजों को नहीं कर पाते हो। चलिए अगला है कक्षा में विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक अन्योन क्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होना चाहिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन क्लासरूम शुड जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ क्या होगा पॉजिटिव इंटरेक्शन से, पहला है कंफ्यूजन होगा, आइडिया होगा, डिस्प्यूट होगा, एनेक्सिटी होगी, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। जाहिर सी बात है जब आप पॉजिटिव रूप से चर्चा करते हो, है ना, तो पॉजिटिव रूप से जब आप चर्चा करोगे तो एक ही पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है यहां पर, वो है विचार, आइडिया जनरेट होंगे, है ना। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप तुरंत आंसर कर सकते हो कि भाई पॉजिटिव इंटरेक्शन कर रहे हो तो उससे आपके अंदर क्या आएगा, नए नए आइडिया जनरेट होंगे, ना कि कंफ्यूजन, ना कि विवाद, ना कि एनेक्सिटी होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन। जी हां सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज जरूरी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं यहां पर सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, चूसिंग सेल्फ एक्सपोजर है, यूजिंग नॉन राइस ह्यूमर है, अवॉइडिंग रिहर्सल है, या रिपीटेशन ऑफ स्पीच कोट्स है, ये आपको बताना है। कौन सी चीज सक्सेसफुल क्लासरूम के लिए जरूरी है ये आपको बताना है, कौन सी जरूरी है। तो पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देखो एक सक्सेसफुल क्लासरूम होगा तो उसमें जब आप अपनी शुरुआत में क्या बता देते हो, मेरे ऑब्जेक्टिव बता देते हो, उद्देश्य बता देते हो कि भैया आज हम ये पढ़ेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है बच्चों के अंदर क्या होता है चीजें अपने आप हो जाती है कि नहीं यार एकदम ब्लूप्रिंट दे दिया सर ने आज ये टॉपिक करना है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, है ना, तो ए सभी में होगा, तो यहां पर दो ऑप्शन अपने आप देखो कट जाएंगे, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। फिर है चूसिंग सेल्फ एक्सपोजर, आत्म प्रदर्शन का चयन सक्सेसफुल के लिए आप देखेंगे तो आत्म प्रदर्शन का चयन का यहां पर कोई नीड नहीं है, है ना। जोखिम रहित हास्य का प्रयोग, मतलब आप ह्यूमर का थोड़ा हंसी मजाक भी यूज करोगे तो भाई जाहिर सी बात है बच्चे क्या होते हैं कई बार लगातार पढ़ने से बोर हो जाते, बीच में एक आध जोक मार दिया टीचर ने तो एक होता है ना नई एनर्जी उनके अंदर क्या पड़ती है, दौड़ पड़ती है। तो यहां पर आप देखेंगे पहले तो आपका ये हो गया, इसके बाद आप देखेंगे
सी आपका आना ही आना है, बी आपका होना नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी और ई, ए सी एंड ई। ई में देखा है रिपीटेशन ऑफ स्पीच, कोट्स हो गया, वाक उदाहरणों की पुनरावृत्ति। जी हाँ, जब आप अच्छे उदाहरणों को बार बार अलग अलग तरीके से समझाते हैं तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव टीचिंग वहां पर क्या होती है, होती ही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर, इसके अलावा आप देखेंगे तो ये चीजें आपकी होती हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, है ना। उद्देश्यों को आप क्या करोगे, परिभाषित करते ही करते हो, है ना। चलिए अगला है, प्रभावी होने के लिए कक्षा संचार निम्न में से कौन सा होना चाहिए। टू बी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी, कैसा होना चाहिए भाई क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव के लिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, एकोमोडेटिव होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए या प्रोग्रेसिव होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पता है ना आपको, ये टीचर है, टीचर से नीचे बस आपका कम्युनिकेट हो, बाकी कहीं पर भी कम्युनिकेशन ना हो, तो ऐसा होगा क्या एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई जब तक टीचर से स्टूडेंट बात नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। तो डाउनवर्ड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है कि भाई ऊपर से नीचे की ओर होता है डाउनवर्ड, है ना, तो ये वाला गलत होगा। अब ए गलत होगा तो भाई एक ऑप्शन तो ये वैसे ही चला गया, बी सी डी सी डी ई और बी डी ई बचा। अब देखिए एनालिटिकल होना चाहिए, तो बिल्कुल एनालिटिकल होना चाहिए, क्योंकि भाई एक लेक्चर प्रभावी होगा जब वो एनालिटिकल होगा, क्योंकि उसमें विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है, तो एनालिटिकल होना जरूरी है। तो ये ऑप्शन भी देखोगे आपका क्या हो गया, यहां पर कट गया। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर डी ऑप्शन है, एकोमोडेटिव, समय योज होना चाहिए, बिल्कुल समय योज होना चाहिए, एकोमोडेटेड भी होना चाहिए। एकोमोडेट का समय योज का मतलब क्या है कि भाई समय के अनुसार, जी हाँ, या छात्रों की आवश्यकता के अनुसार जो है चीजों को लेकर चलना चाहिए, होता ना कि हम बोलते ना कि समय के हिसाब से चलना चाहिए, वही है एक्चुअल में समायोज्य एकोमोडेटेड। ठीक है, तो इसमें हम छात्रों के हिसाब से जहां पर नहीं समझ में आ रहा है उस हिसाब से हमको उनको पढ़ाना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो भाई बिल्कुल डी भी यहां पर होगा, तो बी और डी दोनों होंगे, तो जाहिर सी बात है बी और डी हो गए। इसके बाद सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है नॉन रिएक्टिव, सी क्या बोल रहा है अप्रतिक्रियाशील, तो भाई अप्रतिक्रियाशील आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये देख लो भाई, तो अप्रतिक्रियाशील बिल्कुल गलत है, क्रियाशील होना चाहिए, है ना, टीचर को एक्चुअल में क्रियाशील होना चाहिए, आप प्रतिक्रियाशील बोल रहा है तो वो गलत हो जाएगा, तो यहां पर सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी आपका कट गया। डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई वाला, बोल रहा है प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बिल्कुल प्रगतिशील होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या एक्चुअल में कि भाई जो भी चीजें चल रही हैं छात्रों को नई चीजें मिले सीखने, है ना, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या हो क्लास में कुछ चीजें नई मिले सीखने को, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई हमारी क्लास कैसी है, प्रोग्रेसिव है, है ना, तो वही यहां पर पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। चलिए जल्दी से बताइए, हाँ, द यूज ऑफ स्मार्ट क्लास फैसिलिटी डिपेंड अपॉन कंप्यूटर लिटरेसी, लिटरेसी कंप्यूटर एज ऑफ स्टूडेंट, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई किस पे डिपेंड करेगा स्मार्ट क्लास, टीचर के लिए और स्टूडेंट दोनों के लिए, तो भैया जब उसे कंप्यूटर लिटरेसी हो, लैपटॉप चलाने आता हो, कंप्यूटर चलाने आता हो, तभी मैं कहूंगा कि भैया क्या हो आप, क्या हो कंप्यूटर लिटरेसी है तभी आप क्या कर रहे हो चीजों को चला पा रहे हो, है ना। चलिए अगला देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन एक रीजन है, आपको बताना है कौन सा सही है इनमें। पहला है कि कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इन क्लास इज रिलेटेड टू पावर ऑफ नॉलेज, कक्षा में संप्रेषण क्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित होती है। दूसरा बोल रहा है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस प्रोवाइड ऑप्शन टू
मेक द डिजायर कम्युनिकेशन इन कंटेस्ट ऑफ क्लास। फिर बोल रहा है कि भाई संप्रेषण क्षमता जो होगी कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषित करने के विकल्प प्रदान करती है। अब आपको यहां पर बताना है कथन कौन सा सही है। चलिए, कक्षा में संप्रेषण क्षमता ज्ञान की शक्ति से संबंधित है। दूसरा बोल रहा है संप्रेषण क्षमता से ज्ञान आपका क्या होता है एक्चुअल में एक तरह से विकल्प होता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि भाई कम्युनिकेशन में अगर आप क्या हो, कम्युनिकेशन में आप सक्षम हो तो जाहिर सी बात है आप अपनी चीजों को और अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाओगे। दूसरा है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस प्रोवाइड ऑप्शन टू मेक डिजायर कम्युनिकेशन कंटेस्ट ऑफ क्लास। बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन में ही वो क्षमता है कि आप अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा पाओ, है ना। तो बहुत यहां पर करेक्ट होंगे, तो ए और दोनों सही है, साथ में उसकी करेक्ट व्याख्या भी क्या है ये आपकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संचार के आयाम है, डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लास आर, लेवल ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी, फिर है लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर है लेवल ऑफ इंट्रोजेक्शन, फिर है इंटेंशनलिटी, फिर है नॉर्मेटिव जजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। कक्षा में संचार के आयाम डायमेंशन की बात हो रही है, इनमें से कौन से डायमेंशन है। तो पहला है दुर्बलता का स्तर, तो भाई कम्युनिकेशन अगर दुर्बलता है तो फिर गलत हो जाएगा आयाम के रूप में। लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन सही होगा, अवलोकन का स्तर कम्युनिकेशन का एक तरह से क्या है क्लासरूम में डायमेंशन है, है ना। अंतर्दर्शन की बात करें तो अंतर्दर्शन भी यहां पर क्या है बिल्कुल सही है कि गलत है, गलत हो जाएगा, है ना। लेवल ऑफ इंट्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इंटेंशनलिटी सभी प्रायता ये बिल्कुल आपकी जरूरी है, फिर है मानकीय निर्णय नॉर्मेटिव जजमेंट ये भी जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे बी डी एन ई डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपको यहां पर क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अवलोकन का स्तर हो, है ना, चाहे आपका सभी प्रायता हो, चाहे आपकी मानकीय निर्णय हो, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के संदर्भ में भाषीय संकेतों के एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। इन क्लासरूम कंटेस्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्नल कन्वे इनबिल्ट मीनिंग मैसेज, उसे क्या कहोगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी डेफिनेशन दोस्तों आपको मैंने पढ़ा रखी है, क्या कहते हो उसको आप। भाषाई संकेतों के अलग अलग अर्थ कई बार क्या होते हैं निकल जाते हैं, इसे आप क्या कहते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार ज्यादा से ज्यादा आपके अर्थ निकल जाएंगे, इसे आप क्या कहोगे, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के नाम से आप क्या कहोगे यहां पर जानोगे, है ना। इन क्लासरूम कंटेस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्नल कन्वे इनुमरेबल मीनिंगफुल मैसेज, दिस इज कॉल्ड। चलो ठीक है, तो कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिमेंटिक मत करो, सिमेंटिक नहीं होगा ना, सिमेंटिक है स्टडी ऑफ साइन और सिंबल यूज इन कम्युनिकेशन, है ना। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साइन और सिंबल्स, है ना, ये है आपका सिमेंटिक। तो सिमेंटिक मत बोलो, प्रोडक्टिविटी यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई आप क्या है ज्यादा चीजें दे पा रहे हो, है ना। प्रोडक्टिविटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो भाई आप लर्निंग एक्टिविटी जो दे रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें दे पा रहे हो स्टूडेंट को कम समय में, है ना। तो बोलते ना कि प्रोडक्टिविटी आपकी शो हो रही है, ठीक है, तो वही यहां पर है। चलिए अगला है, इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव कंटेस्ट ऑफ क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जी हाँ, इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर की बात हो रही है यहां पर, प्रभावी श्रवण व्यवहार की यहां पर क्या हो रही बात हो रही है। इसके लिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सी उसकी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड, दूसरा आपका देखिए यहां पर क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपका परस्पर समझौते के क्षेत्रों की खोज, डिस्कवरी ऑफ एरिया ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो भैया एक तो बिल्कुल है कॉमन ग्राउंड, बिल्कुल जब सामने वाला आपके हिसाब से बातें करता है तो आपको सुनने में क्या है अच्छा लगता है, होता ना कि कई बार आपके मुताबिक टीचर टॉपिक पढ़ाता है तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। इसी प्रकार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है कि भाई आपको जो चीज पसंद है वही सामने वाला चीज कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ए और बी आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल होना ही होना है। इसके बाद आप देखिए यहां पर ए और बी के अलावा आप देखेंगे यहां पर आपका दे रखा है वास्तविक समस्या को देखना, सीइंग द रियल प्रॉब्लम, तो ये भी आप देखेंगे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए बी सी आपका हो जाएंगे, तीन ही ऑप्शन है तो पहला ही आंसर क्या होगा इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, मिशन कर दें बच्चे का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असर्शन दे रखा है, अभिकथन दे रखा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज एक्शनेबल प्रोसेस, है ना। दूसरा तर्क बोल रहा है कि नो टीचर वर्क अंडर अजम्पशन दैट द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट आर पर्पसफुल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला वाला तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई अभिकथन में कि कक्षागत संप्रेषण एक क्या है, क्रिया एक्शनेबल प्रोसेस है, या मैं कहूं आपका क्या है क्रियावंतिकारी प्रक्रिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है नो टीचर वर्क अंडर अजम्पशन दैट रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट आर पर्पसफुल। अब दूसरा जो उसका अर्थ आप देख रहे हो तो यहां पर आप देखोगे तो ये चीजों का दे रखा है कि टीचर को कोई मतलब नहीं होता है कि नो टीचर, यानी बोल रहा है कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं आपकी कैसी होंगी, पर्पसफुल होंगी, तो ये वाला आपका इससे मैच नहीं खा रहा है ना, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि सेकंड वाला का कोई मेल नहीं है इससे। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर वन का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा, जी हाँ, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वल रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जी हाँ, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर वन का, ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है, काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे, तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा, जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, एक साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एनसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ बैरियर टू रिसेप्शन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनमें से कौन से बैरियर होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में, यह आपको बताना है। चलिए ऑप्शन में आपके देखिए क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपके क्या क्या दे रखा है, नीड से मतलब किस हिसाब से होते हैं यह आपको बताना है, है ना, ये आपको चयन करना है, कौन से सीक्वेंस में होंगे यह आपको चयन करना है। एटीट्यूड है, कंसर्न है, एक्सपेक्टेशन है, नीड है। चल तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो बाधाओं का सही क्रम होगा वो होगा नीड, सबसे पहले आपकी आएगी क्या एज अ नीड, नीड के बाद आप देखेंगे आपका आएगा कंसर्न, नीड के बाद आपका कंसर्न आएगा, कंसर्न के बाद आप देखेंगे आपका क्या आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन आएगी, एक्सपेक्टेशन आएगी, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद एक्सपेक्टेशन के बाद आपका लास्ट में एटीट्यूड आएगा। तो ये जो है आपका सही सीक्वेंस है, इसे याद रखिएगा, है ना। तो डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, है ना, कि कक्षागत संपाद में प्रतिग्रहण की बाधाओं का जो सही क्रम है, नीड देन कंसर्न देन एक्सपेक्टेशन देन एटीट्यूड। चलिए अगला है, कक्षा में भाषिक संकेतों तथा अभिभाषिक संकेतों का संदेश में रूपांतरण कहलाता है, कन्वर्जन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल इनटू मैसेज इज कॉल्ड व्हाट, किस नाम से जानोगे आप क्लासरूम में जब आप संकेत को किसमें बदलते हो, सिग्नल को आपके उसमें, तो आप जाहिर सी बात है आपने बेसिक चीज पढ़ी है, इसे किस नाम से जानते हो, डिकोडिंग कहते हो आप, है ना, कन्वर्सेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल इनटू मैसेज, तो भैया सिग्नल से मैसेज में जो कन्वर्ट होता है उसे किस नाम से जानते हो आप, डिकोडिंग कहते हो, या आप सभी ने पढ़ा है, है ना, बिल्कुल। तो याद रखिएगा डिकोडिंग क्या होता है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है, भाषा और गैर भाषिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षागत संभाग का महत्वपूर्ण भाग है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। दूसरा बोल रहा है कि इफ द क्लासरूम सीन इज इंटरकल्चरल देन मास्टरी ओवर लैंग्वेज बिकम मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर बोल रहा है कि अगर कक्षा का दृश्य बंद संस्कृत हो तो भाषा पर प्रवीणता अतिदेय हो जाती है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत है। चलिए तो अगर आप देखेंगे, पहला है कि रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यू इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का जो है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़ा, कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, ये सेंडर है, सेंडर मैसेज भेजता है, है ना, तो मैसेज भेजता है तो पहले क्या होता है, एनकोड होता है, फिर वो चैनल पे जाएगा, अब वो सिग्नल बन जाएगा, सिग्नल के बाद वो क्या होगा, डिकोड होगा, डिकोड के बाद वो क्या मिलेगा, रिसीवर को मिलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल है वो मैसेज में बदलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो भाई ये आपका सिग्नल है, सिग्नल मैसेज में बदलेगा तो डिकोडर की से बदलेगा तो इसे डिकोडिंग कहते हो आप, है ना। चलो ये वाला तो आपने देख ही लिया कि भाई पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि क्लासरूम सीन इज इंटरकल्चरल देन मास्टरी ओवर लैंग्वेज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको दूसरा वाला जो कथन है यहां पर बताना है सही है कि नहीं है, ये आपको क्लियर करना है। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर एक वर्ड लिखा है इसने इंटरकल्चर में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गलत है, है ना, ये गलत है, क्योंकि इंटरकल्चर मतलब दो भाषा वाले अगर एक क्लासरूम में बैठ जाते हैं और आपको लैंग्वेज में आपको बोल रहा है समझाना है तो आप कैसे समझा पाएंगे,
नहीं समझा पाओगे आप, क्योंकि इंटर कल्चर की बात हो रही है। इंटर कल्चर का मतलब है कि दो, एक तमिल व्यक्ति बैठ गया, एक हिंदी व्यक्ति बैठ गया। अब टीचर को हिंदी अच्छे से आती है तो तमिल व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोल पाएगा या समझ पाएगा, है ना। तो यहां पर इंटर कल्चर की बात हो रही है, दो कल्चर की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर ये वाला गलत होगा, ए सत्य होगा, आर असत्य होगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कक्षा में होने वाले संप्रेषण की दो बुनियादी विशेषताएं हैं, कक्षा में दिए जाने वाले अनुदेश और कक्षा प्रबंधन। क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, नेमली क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। दूसरा है कि भाई कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो भाई आप कॉमन सेंस रखिए, यहां पर पहला बोल रहा है कि कक्षा में होने वाले संप्रेषण की दो बुनियादी विशेषता आपकी है, एक है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है कि भाई कक्षा में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और मैनेजमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा बोल रहा है कि भाई आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इनका आप देखेंगे आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट बिल्कुल क्लासरूम में जरूरी है, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट नहीं देंगे क्लासरूम में तो बच्चा टिक नहीं पाएगा, है ना। तो शिक्षकों को थोड़ा सा मनोरंजन भी देना पड़ता है क्लासरूम में। तो यहां पर दोनों तो सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, व्याख्या नहीं है। चलिए अगला है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिटरमाइंड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड, यानी कक्षागत संप्रेषण सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। दूसरा बोल रहा है कि पॉजिटिव एजुकेशनल एक्टिविटी शुड हेल्प द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो भाई पहला वाला बिल्कुल बोल रहा है कि भाई कि पहले से चीजें डिसाइड होती हैं, है ना, बोल रहा है ना कि कम्युनिकेशन इज प्री डिटरमाइंड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड। जैसा माहौल है, जैसा सामाजिक वो है, उससे पहले से निर्धारित होता है। बिल्कुल सही है, जैसे क्लासरूम में धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाना, गीता का पढ़ाया जाना, भाई ये क्या है, सिस्टम की डिमांड थी, चालू कर दिया गया, समाज की डिमांड थी, चालू कर दिया गया, है ना। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि पॉजिटिव एजुकेशनल एक्टिविटी शुड हेल्प द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस, ये भी बिल्कुल सही है कि ऐसी एक्टिविटी होगी तो मैनेजमेंट का फंडा जो है आपको मिलता है, तो उस कारण आप देखेंगे यहां पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही, क्योंकि सोशल डिमांड जो रहेगी उस हिसाब से क्या है चीजें करवाई जाती है, तो दोनों ही कथन यहां पर क्या होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला देखिएगा, कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतिकी को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया जा सकता है। डायनामिक ऑफ इंटरेक्शन इन क्लासरूम कैन मैनेज इफेक्टली थ्रू, कैसे आप इंटरेक्शन को वो कर सकते हो, गतिकी को आप क्या कर सकते हो प्रभावशाली ढंग से आप क्या कर सकते हो प्रबंधित कर सकते हो, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन में दे रखा है, समझे गए अर्थों की व्याख्या करना भाषा की जटिलता से, पुनरावृत्ति प्रतिकरण से, या आपका वोकैबुलरी से। तो आप देखें यहां पर कि भाई अगर आपको क्या है क्लास को प्रभावशाली रूप से चलाना है तो आप जो भी चीज समझाओ उसको अच्छे से क्या करो, एक्सप्लेन कर दो बाय इंटरप्रेटिंग द अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, तो ये चीज आपका हो जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचर्स डिस्प्ले ऑफ क्रिएटिविटी कोरिलेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी इज कॉल्ड विच कैटेगरी ऑफ स्किल। ऑप्शन में है चिंतन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, मीडिया उपयोग कौशल, मानवीय कौशल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा।
अब देखिए बोल रहा है कि टीचर डिस्प्ले ऑफ क्रिएटिविटी कोरिलेशन एनालिटिकल एबिलिटी इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, चिंतन कौशल कहलाएगी, थिंकिंग स्किल कहलाएगी भाई ये, है ना भाई, टीचर किस हिसाब से सोचता है, है ना, कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा आपका। चलिए अगला है, कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। Which of the following characteristic of teaching behavior in classroom would be classified as part of formative assessment? Option में आपके पांच options हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा जो होगा वो आपका सही होगा। पहला वाला बोल रहा है कि छात्रों में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल सही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, टीचर एस क्वेश्चन टू गेट क्लारिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट, पहला बिल्कुल सही है, टीचर आपका क्या करेगा, सवाल पूछेगा अपने सर्टिफिकेशन के लिए कि भाई बच्चे को जो पढ़ाया गया है वो उसे सही से समझ आया कि नहीं आया। फिर है टीचर स्पेसिफाई लेवल ऑफ द एट्रीब्यूट अचीव्ड बाय स्टूडेंट, छात्रों द्वारा प्राप्त की गई विशेषता के स्तर को अध्यापक निर्दिष्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। फिर है टीचर पॉज फॉर फ्यू सेकेंड देन आस्क क्वेश्चन लुकिंग एट स्टूडेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भाई थोड़ा देर रुकेगा टीचर, उसके बाद क्या करेगा वो प्रश्न पूछेगा, है ना। फिर है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टीचर प्रमोट्स एंड चेक द स्टूडेंट, तो भाई जब वो प्रेजेंट करेगा और चीजों को क्या करेगा, जाके चेक करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है टीचर इंडिकेट द परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग गिव द जजमेंटल वैल्यू, ये नहीं है, सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए बच्चे को कि भाई अच्छे से नहीं हुआ तो भैया एकदम वो पूरा कर दिया, ऐसा नहीं होता, वो बाद में अकेले में बुला के उसे समझा दिया जाएगा कि नहीं बेटा तुम गलत हो या फिर इसमें तुमको मेहनत की जरूरत है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ए सी और डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार बनाता है। परिवर्षित कम्युनिकेशन बाय टीचर इन द क्लास मींस मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम एक्सेप्टेबल टू द स्टूडेंट। दूसरा बोल रहा है कि भाई यदि संस्थानिक स्तर पर होता तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन होता, इफ It happen at institutional level, then purpose behind is image building. अब आपको इसमें कथन बताना है कौन सा कथन जो होगा सही होगा। चलिए पहला बोल रहा है कि persuasive communication by टीचर इन क्लासरूम मींस मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्सेप्टेबल स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं यहां पर अनुनयात्मक यहां पर क्या हो रही है, चीजों की चर्चा हो रही है, तो उस हिसाब से देखेंगे पहला भी सही है। और दूसरा बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगा तो बिहाइंड द इमेज बिल्डिंग, बिल्कुल दोनों ही यहां पर क्या है करेक्ट है। अगर आप देखेंगे अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार, अरस्तु का जो संप्रेषण का मॉडल है उसमें क्या है कि संप्रेषण में जो सुझाव होंगे मन और मस्तिष्क का परिणाम होते हैं ना, तो जो आप आइडिया देते हो तो मन और मस्तिष्क दोनों का प्रमाण होता है, और चित्रों का अंकित करना यानी आपका ये सब छवि निर्माण का काम होता है, तो दोनों ही यहां पर क्या होंगे करेक्ट होंगे। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, आपको पांच यहां दे रखे हैं, अब इनमें बताना है कौन सा सही होगा। चलिए पहला है आपका, पहला है यहाँ पे आपका कि भाई लिसनिंग बाय लर्निंग अधिगम द्वारा सुनना, है ना। दूसरा है फॉर्मल लेक्चर्स, है ना, फॉर्मल लेक्चर्स, तो भाई आप देखेंगे फॉर्मल लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे। फिर है इनफॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन होगा क्या है बताइए, हाँ इनफॉर्मल डिस्कशन होगा क्या, हाँ कक्षा संप्रेषण में आप देखेंगे
तीन रूप होते हैं, एक आपका क्या होता है भाई, एक तो आपका मौखिक होगा ओरल होगा, एक आपका क्या होगा फॉर्मल होगा, और एक आपका इनफॉर्मल होगा। ये तीन रूप से ही तो आप पढ़ाई करवा सकते हो, फॉर्मल रूप से, इनफॉर्मल रूप से और ओरल रूप से। तो यहां पर आप देखेंगे औपचारिक लेक्चर जो है ये भी होगा, है ना, आपका अनौपचारिक चर्चा जो है ये भी होगी, है ना, तो औपचारिक भी होगी अनौपचारिक भी होगी। इसके अलावा आप देखेंगे व्याख्या इंटरप्रिटेशन भी होगी। तो यहां पर सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, सेकेंड थर्ड और फिफ्थ जो है आपका आंसर होना चाहिए, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ, सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो सी ऑप्शन यहां पर देखोगे तो आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुरा है, दो कथन आपके दे रखे हैं। पहला है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क स्प्रेड इन क्लासरूम। दूसरा बुरा है, इन इंटरकल्चरल एनवायरमेंट एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। अब आपको बताना है इंटरकल्चर में इनमें से कौन सा सही होगा, है ना। तो आप सभी को पता है पहला बोल रहा है कि भाई इंटरकल्चर कम्युनिकेशन से टीम वर्क जो होगा प्रमोट होता है, तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे भाषा वाले बच्चे अगर आ गए तो आपस में वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो पहला कैसे सही हो जाएगा, है ना। तो टीम वर्क प्रोत्साहन नहीं देता है इंटरकल्चर के कारण, क्योंकि भाई आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे उससे, सिंपल सी बात है। फिर है इंटरकल्चर एनवायरमेंट एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। ये सही है भाई, इंटरकल्चर में जो एक्यूरेसी रहेगी कम्युनिकेशन की फ्लेक्सिबल रहेगी। आप 100% सही नहीं हो सकते, आप धीरे धीरे उसको समझा सकते हो, है ना, चीजों को समझा सकते हो, धीरे धीरे आप दूसरी भाषा में उसको कोशिश करोगे समझाने की। तो यहां पर सेकेंड वाला जो है आपका सही होगा, तो फर्स्ट जो है आपका गलत है और दूसरा वाला सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आंसर। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर वन का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा, जी हाँ, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, MCQ सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलिंगुअल रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में PDF एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जी हाँ, जिसमें आपका MCQ सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर वन का, ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है, काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा, जी हाँ, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, एक साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, MCQ सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा।